10 में चैप्टर का नाम है इतिहास की परीक्षा। माने इतिहास की परीक्षा देने के लिए जा रहे हैं बच्चे, और कैसे देता है, क्या देता है वो कौन समझाएंगे। इतिहास की परीक्षा थी उस दिन, चिंता से हृदय धड़कता था, थे बुरे सपन घर से चलते ही बायां हाथ रखता था। मैंने सवाल जो याद किए वे केवल आधे याद हुए, उनमें से कुछ तो स्कूल तक आते आते बर्बाद हुए। कहते कि इतिहास की परीक्षा थी वो, उसका दिल पहले ही से धड़कने लगा था, और कुछ तो सवाल ऐसे थे जो वो आधा ही याद किया था, पूरा याद किया है नहीं। कुछ जो याद किया था वो स्कूल तक जाते जाते वह खत्म हो गया था, माने भूल गया था। पर्चा हाथों में पकड़ लिया, आंखें मूंदी, टुक झूम गया। पढ़ते ही छाया अंधकार, चक्कर आया, सिर घूम गया। जैसे ही पर्चा उसके हाथ में आया, वो उसका सिर में चक्कर आया और वो उसका सिर घूम गया। वो प्रश्न पत्र लिखने वाले, क्या मुंह लेकर उत्तर दें हम, तू लिख दे तेरी जो मर्जी, ये पर्चा है या एटम बम। तो कहता है कि हे पर्चा लिखने वाले, मैं क्या उत्तर दूँ, मुझे तो कुछ आ ही नहीं रहा है। तो वो कहता है कि ये पर्चा है, कोई एटम बम नहीं है, जो मर्जी है वो लिख दो। गीता कहती है कर्म करो, फल की चिंता मत किया करो। मैंने गीता में कहा गया है कि कर्म करो, फल की चिंता नहीं करो, मन में आए जो बात उसी को पर्चे पर लिख दिया करो, जो मन में आता है उसे पर्चे पर लिख दो। वे अंतर के पाठ खुले, मेरे अंतर की आत्मा उसकी खुली, पर्चे पर कलम चली चंचल, जो किसी खेत की छाती पर चलता ही हलवाहे का हल। कहता है कि अंदर का मेरा मन खुला और मैंने लिखना शुरू कर दिया। जिस प्रकार जो किसान होते हैं वह हल चलाना शुरू करते हैं, खेत में जाते हैं, तो मैंने लिखा पानीपत का दूसरा युद्ध था सावन में। उसने लिख दिया कि पानीपत का दूसरा युद्ध था वो सावन में था, जापान जर्मनी के बीच हुआ 1857 में। मतलब जापान और जर्मनी के बीच हुआ था क्या पानीपत की लड़ाई। लिख दिया महात्मा बुद्ध महात्मा गांधी जी के चेले थे। उसने लिख दिया कि महात्मा बुद्ध जो थे वो महात्मा गांधी जी के चेले थे, गांधी जी के संग बचपन में वे आँख मिचौली खेले थे। और क्या लिखा उसने कि गांधी जी उसके साथ में बचपन में आँख मिचौली खेले थे। राणा प्रताप ने गौरी को केवल 10 बार हराया था। अकबर ने हिंद महासागर अमेरिका से मंगवाया था। क्या कहा कि राणा प्रताप जो गौरी को केवल 10 बार हराया था, अकबर ने हिंद महासागर को अमेरिका से मंगवाया था। कहा विदेश भी कोई मंगवाने की चीज़ है। महमूद गजनवी उठते ही 2 घंटे रोज नाचता था, औरंगजेब रंग में आकर औरों की जेब काटता था। उसने कहा कि महमूद गजनवी जो है वो 2 घंटे रोज नाचता था, औरंगजेब अपने रंग में आकर औरों लोगों का जेब काटता। पेज पलटिएगा। इस अनेकों भावों से फूटे भीतर के फब्बारे, जो जो सवाल थे याद नहीं वे ही पर्चे पर लिख मारे। अरे क्या हुआ कि उसकी जितने भी भाव उत्पन्न हुए वो सब उस पर्चे पर उस सवाल को लिख डाले। हो गया परीक्षक पागल सा मेरी कॉपी को देख देख, बोला इन सब छात्रों में बस होनहार है यही एक। जब परीक्षक जो है जो कॉपी चेक करते हैं शिक्षक, वो जब उसकी कॉपी को देखें तो वो पागल सा हो गया और उन्होंने कहा कि हमारी कक्षा में जो है परीक्षा में एक ही होनहार बालक है, औरों के पर्चे फेंक दिए, मेरे सब उत्तर छांट लिए। और सब पर पर्चे जो है उन फेंक दिए और उसके क्या किए हैं, मेरे सब उत्तर छांट लिए, उसके सब उत्तर को छांट लिए, 0 नंबर देकर बाकी के सारे नंबर काट लिए। उन्होंने 0 नंबर दे दिया और बाकी जितने नंबर थे उन्होंने काट लिया। होमवर्क है आप इसे उतार कर बुक में ही लिखिएगा इसको। अच्छा।